Assalamu alaikum viewers, I am back with the most delicious recipe which is a chocolate cake. और इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप लोग ये बनाएंगे तो आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे. बहुत ही डिलीशियस और बहुत ईजी रेसिपी है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सबसे पहले हमारे पास है शुगर 1 कप, 1/2 कप हमारे पास है कोको पाउडर. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और मिल्क है 1/3 कप, ऑयल है हमारे पास 3/4 कप, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स होते हैं 1 to 2. ठीक है, और ये हमारे पास है फ्लोर यानी मैदा 1 कप. पहले 3 एग योक्स को अलहदा कर लिया, उसमें 1/2 कप शुगर ऐड की. ठीक है, और फिर 3 एग वाइट्स को अलहदा कर लिया, उनके अंदर भी 1/2 कप शुगर उसके अंदर डाल दी. अब हम सबसे पहले एग वाइट्स को बीट कर लेते हैं अच्छे से, कि जो है वो सारी शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए और ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाए. ये देखें, ये हमारी एग वाइट्स हो चुकी हैं बीट. अब मैं एग योक्स को बीट कर रही हूँ विथ शुगर. ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर इसको बीट करके इसमें मैंने अब दूध शामिल किया और अब वनीला एसेंस. ठीक है, इसको फिर से अच्छे से कर लेंगे बीट, और जब ये बीट हो जाएगा तो एंड पे हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको निकाल के रख लेंगे. अब ये हमने एग योक्स को एक बड़े बाउल में निकाला, उसमें एग वाइट्स को कट एंड फोल्ड किया. उसके बाद अब ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने उनको स्ट्रेन करके एक जगह कर लिया था, और ये हमने अच्छा सा बैटर बना लिया. ठीक है, बैटर बना के अब हमने इसको पैन को ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और मैंने इसके अंदर पोर करके अब मैं इसको प्री हीटेड पतीले में 20 मिनट्स के लिए मैंने कर लिया था प्री हीट, उसको मैं इसमें बेक होने के लिए रख रही हूँ इतनी फ्लेम. ठीक है जी, तो ये देखें हमारा 30 मिनट्स के बाद परफेक्ट चॉकलेट केक स्पॉन्ज रेडी है. मैंने इसको 2/2 में कट कर लिया है. ठीक है, और ये मैं इसके लिए क्रेव की डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, तो आप उसको डबल बॉयलिंग सिस्टम से जो है वो आप इसको मेल्ट कर सकते हैं चॉकलेट को. मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून. ठीक है, ये वाला चॉकलेट गनाश मैंने घर में बनाया है, और क्योंकि इससे ये होता है, इसका फ़ायदा ये है कि ये सेट नहीं होता, हार्ड नहीं होता, तो अंदर से केक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट रहे. ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा हाफ मैंने उसके ऊपर रख दिया है अब, और मैं जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी क्रेव की मिल्क चॉकलेट, आप चाहे डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है. ठीक है, डाल के ये मैंने अपना केक पे साइड पे कोकोनट लगा दिया, दरमियान में थोड़े नट्स आलमंड्स मेरे पास इस टाइम अवेलेबल थे, मैंने वो डाल दिए, और ये परफेक्ट हमारा डिलीशियस चॉकलेट केक रेडी है. बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे. डिटेल वीडियो मैंने केक पे पहले भी डाल दी है, आप लोग अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और देख भी सकते हैं पिछली वीडियोज़. ये इसका स्लाइस भी कट करके दिखा दिया है. ठीक है, और चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.